ये प्रूफ है, उन्होंने दो बच्चों को पाला जिनको अपना नॉलेज दिया है वो मुसलमान हो गए, एंड जो पाल रहा है, जो सिखा रहा है वो मुसलमान नहीं है। ऐसे कैसे हो सकता है? लिटरली काफिर कैसे कह सकते हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा ये। हेलो, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, योली मदद, क्या हाल है गाइस? आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। तो आज इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं काफिर कौन है, अबू सुफियान या अबू तालिब, बाय अलामा इरफान हैदर अबीदी। अलामा इरफान हैदर अबीदी, ये जो सर है ना, इनकी वीडियोस की रिक्वेस्ट मुझे काफ़ी ज़्यादा आ रही है, बहुत दिनों से रिक्वेस्ट आ रही है उनके मजलिस को लेके, अलामा इरफान हैदर अबीदी सर के मजलिस को लेके, वीडियोस को लेके। मैंने इनको कभी नहीं सुना है, ये फर्स्ट टाइम होगा, बिकॉज बहुत रिक्वेस्ट आ रही है इनकी वीडियोज़ को लेकर, इसलिए आज मैं इस वीडियो पर रिएक्शन कर रहा हूँ कि काफिर कौन है, अबू तालिब, हज़रत अबू तालिब, या फिर अबू सुफियान जो था, लाइक दोनों में से काफिर कौन है, इस तरह से तुम कह सकते हो। तो लेट्स सी इस वीडियो को देखते हैं, उसके बाद जो भी बात करें। आप तारीख इस्लाम का पहला वर्क पलटे, उसमें आपको दो सफे नजर आएंगे। पहले पर लिखा हुआ हजरत अबू सुफियान रजी अल्लाह ताला अन्हु। सुने ना, सुने, ये तारीख बता रहा हूं। स्टूडेंट बेचारा कहां जाए, जल्दी से पढ़ता है। कौन थे ये साहब? साहब इनका नाम ये था, इनके बाप का नाम हर्ब था, इनकी सारी जिंदगी गुजर गई दुश्मनी इस्लाम में, सारी जिंदगी रिसालत के दुश्मन रहे, नबुवत के दुश्मन रहे, इस्लाम के दुश्मन रहे, दीन के दुश्मन रहे, कुरान के दुश्मन रहे, ईमान के दुश्मन रहे, मुसलमान के दुश्मन रहे, शरीयत के दुश्मन रहे, जो जो मुसलमान होता रहा उनके दुश्मन रहे। रसूल अल्लाह को वसीयतें दी, रास्ते में कांटे बिछाए, बद्र में मुकाबले में आए, उहद में मुकाबले में आए, 40 जंगों में रसूल के मुकाबले में आते रहे, हर जंग में साथ साथ सिपे सालारी की, हर हर कदम पर इस्लाम की मुखालफत की। अबू सुफियान दुश्मन इस्लाम, दुश्मन दीन, दुश्मन रसूल, दुश्मन कुरान, दुश्मन शरीयत, दुश्मन सहाबा, दुश्मन मुसलमान, दुश्मन ईमान, सारी बातें, बट 100% मुसलमान। कैसे मुसलमान? 100% का जवाब। अच्छा, वो तालिबे इल्म घबरा के फौरन कहता, यार दूसरा वर्क पलटो, देखो इसमें क्या, उसमें लिखा हुआ है सिर्फ अबू तालिब। रईस मक्का, सरदार मथा, वारिस अंबिया, बैजतुल बलद, मोहसिन रिसालत, रसूल की हिफाजत की, रसूल की मदद की, शमे रिसालत के परवाने रहे, अपनी औलाद तक को कुर्बान करने पर आमादा रहे, सारी दुनिया की मुखालफतें मोल ली, नबूवत का कदम कदम पे साथ दिया, बट 100% काफिर। सब उल्टा है क्या? ये बट जो है ना, ये अजीब कट लगाता है। सच बात है, सच बात है। बड़ी दे, बहुत बड़ी। अच्छा, थक गए ना दोस्तों? अच्छा, माशाल्लाह। तो फिर जुमला सुन ले आप। अब ये तारीख का तालिब-ए-इल्म बेचारा परेशान हो जाता है, भाई ये कौन सा इस्लाम है जिसमें रसूल की दुश्मनी करना ईमान, रसूल की हिफाजत करना कुफर। बड़े इत्मीनान से तारीख का मौर्रिख लिख देता है, अबू सुफियान माता मुस्लिम, अबू तालिब माता काफिर, अबू तालिब मुसलमान मरा, अबू सुफियान मुसलमान मरा, माजल्ला अबू तालिब काफिर मरे, ये तारीख में जुमला लिखा हुआ हदीस की किताबों में, और साथ ही ये हदीस भी लिखी हुई, पहले ये हदीस फिर सुन ले, अबू सुफियान माता मुस्लिमा, अबू सुफियान माता मुस्लिमा, अबू तालिब माता काफिरा, अबू तालिब काफिर मरे, अबू सुफियान मुसलमान मरा, उसके नीचे ही हदीस लिखी हुई, कुल्लो मौलूदिन यूलिदो अला फितरत इस्लाम, हर बच्चा फितरत इस्लाम पर पैदा होता है, उसके पालने वाले उसे अपने जैसा बना देते हैं। यही हदीस पैगंबर लिखी हुई, उसी मकाम पर, कुल्लो मौलूदिन यूलिदो अला फितरत इस्लाम, हर बच्चा फितरत इस्लाम पर पैदा होता है। यह अल्लाह के अदल का तकाजा है कि हर एक की फितरत में इस्लाम रखे,
फिर उसके पालने वाले, उसके परवरिश करने वाले, उसके तरबियत करने वाले अपने जैसा बना देते हैं। यानी सरकार ने बता दिया कि बच्चा जब किसी आगोश में पलकर जवान होकर जिस अकीदे को इख्तियार करे, समझ लो कि पालने वाले का अकीदा भी वही था, पालने वाले का अकीदा भी वही था, पालने वाले का अकीदा भी वही था। अरे मोहम्मद को 40 बरस के बाद नबी मानोगे, मगर जब पैदा हुए तो मुसलमान तो मानोगे कि मोहम्मद जब पैदा हुए तो फितरत इस्लाम पर पैदा हुए। उसके बाद आ गए अबू तालिब की आगोश में। अब अबू तालिब की आगोश से पलकर जवान होने वाला ये बच्चा अगर कोहे अबू कुबैस की बुलंदी पर चढ़कर आवाज दे कि अय्युहन नास कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहु, ए लोगो ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार करो, तो फिर तस्लीम कर लो कि हर बच्चा फितरत इस्लाम पर पैदा होता है, पालने वाले अपने जैसा बना देते हैं। तो ये तारीख में अबू सुफियान माता मुस्लिमा, अबू तालिब माता काफिरा, अबू सुफियान मुसलमान मरा, अबू तालिब काफिर मरा, तुम्हें भी कसम है अबू सुफियान की और उसकी नस्ल की, इस हदीस को उसकी नस्ल की कसम, इस हदीस को यहीं रखे देना। मैं अभी आ रहा हूँ बॉम्बे के मोमिनीन को लेकर फैसला करने के लिए, लिखे रहने देना अबू सुफियान माता मुस्लिमा, अबू तालिब माता काफिरा, अबू सुफियान मुसलमान, अबू तालिब काफिर, मिटाना नहीं। मैं ये सारा मजमा लेकर अभी इस हदीस को अली के नारे अगर मिटाना दूं तो अली का नाम लेना लेवा न कहना, अबू सुफियान मुसलमान, अबू तालिब काफिर, तो फैसला एक जुमले में किए देता हूं। मर भी जाऊंगा तो नहीं भूलोगे आज की तकरीर को और इस जुमले को। कोई कीमत नहीं चाहिए, कोई जदा नहीं चाहिए, जदा उससे लूंगा जिसने इस काबिल बनाया कि अबू तालिब का तस्करा करूं, जदा उससे लूंगा अबू सुफियान मुसलमान, अबू तालिब काफिर, लिखे रहने देना। रसूल की हदीस ने फैसला कर दिया, रसूल की हदीस ने फैसला कर दिया, हर बच्चा मुसलमान पैदा होता है, पालने वाले, पालने वाले, तरबियत करने वाले अपने जैसा बना देते हैं। तो फिर सुनो, दो बच्चे, दो बच्चे अबू तालिब ने पाले, एक मोहम्मद बना, एक अली बना। दो बच्चे अबू सुफियान ने पाले, एक माविया बना, एक यजीद बना। रोंगटे खड़े कर दिए इन्होंने, लिटरली बाल जो है ना मेरे खड़े हो गए हाथों के, रोंगटे दिख, यहाँ से दिखेगा लेकिन बहुत, वो कहते हैं ना घूस बम से आगे, भाई बहुत ज़बरदस्त ये वीडियो था, बहुत करारा कहते हैं ना एक, वो बहुत कड़क, जो कड़क होता है ना, बहुत ज़बरदस्त, सच बता रहा हूँ। ये वीडियो बहुत ओल्ड है मेरे ख्याल से, इन्होंने बॉम्बे कहा है, बॉम्बे मुंबई का ओल्ड नाम बॉम्बे था, तो मेरे ख्याल से ये बहुत ओल्ड वीडियो है। बहुत अच्छा यार, मैंने इनको पहली बार सुना है, अलामा इरफान हैदर अबीदी, क्या बात कही यार, स्टार्टिंग से लेके जो इन्होंने प्रूफ दिया है ना कि आज के ज़माने में सब कुछ उल्टा हो रहा है। सबसे पहली चीज़ तो इस्लाम के अंदर में आज क्या हो रहा है बिल्कुल समझ में नहीं आता है, मुझे तो बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है। एक चीज़ जो मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाया था, उसमें मैंने कहा था कि राफिजी ये जो वर्ड है, ये पहले के टाइम पर उन लोगों के लिए इस्तेमाल किया जाता था जो लोग अहले बैत का साथ छोड़ देते थे, उनसे दुश्मनी कर लेते थे। लेकिन आज के ज़माने में क्या हो रहा है, जो लोग अहले बैत की तारीफ़ करते हैं, उनके बारे में अच्छी अच्छी बातें करते हैं, उनसे मोहब्बत की बातें करते हैं, उनको राफजी कहा जाता है, उनको राफजी की कैटेगरी में डायरेक्टली डाल दिया जाता है। एंड आज के ज़माने में क्या हो रहा है, लोग उसे मुसलमान कह रहे हैं जिसने अपनी ज़िंदगी का मकसद ही एक तरह से इस्लाम से दुश्मनी में निकाल दिया, तुम कह सकते हो बहुत पहले से, अबू सुफियान जो कि यजीद का दादा था, यजीद का दादा जी सबको पता होगा, तो क्या था सबको पता है, रियलिटी क्या है, हिस्ट्री क्या है, बड़ी सिंपल सी बात है, ज़िंदगी भर दुख दर्द ही दिया उसने इस्लाम को, मुसलमानों को, चाहे रसूली को ले लो, रसूल को, लाइक सिर्फ झगड़े किए, लड़ाइयाँ किया, सबको पता है, बहुत सिंपल सी बात है। एंड वो उसके सामने में अगर हम उनकी बात करें, हज़रत अबू तालिब जिन्होंने हज़रत मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम को पाला, बचपन से पाला एक तरह से, ठीक है, तो उनको जो है ना लोग काफिर कहते हैं लिटरली, एंड ये जिसने दुश्मनी किया ज़िंदगी भर इस्लाम से उसको मुसलमान कहते हैं लिटरली यार।
वो पूरा उल्टा ही हो रहा है, सच बता रहा हूँ। बहुत अजीब सा हो गया, लिटरली बहुत अजीब सा हो गया। उन्होंने एंडिंग में जो एक बात कही ना, बहुत प्यारी वो बात, अकॉर्डिंग टू हदीस, जो हजरत मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम का जो हदीस है ना, उसके हिसाब से जो बच्चा पैदा होता है एंड जो उसे पालता है ना, वो उसे बिल्कुल अपनी ही तरह बना देता है। यानी कि जो हजरत अबू तालिब थे, उन्होंने हजरत मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम एंड मौला अली अलैहिस्सलाम को पाला। बहुत सिंपल सी बात है भैया, इसका मतलब ये है कि उन्होंने कहीं ना कहीं अपना नॉलेज, अपना इल्म दोनों बच्चों को दिया, हजरत मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम एंड मौला अली अलैहिस्सलाम। तो उन्होंने कहीं ना कहीं अपनी तरह उनको बनाया, तो तुम इनडायरेक्टली हजरत अबू तालिब को काफिर नहीं कह सकते। ये प्रूफ है, ये प्रूफ है। उन्होंने दो बच्चों को पाला जिनको अपना नॉलेज दिया है, वो मुसलमान हो गए, एंड जो पाल रहा है, जो सिखा रहा है, वो मुसलमान नहीं है। ऐसे कैसे हो सकता है? लिटरली काफिर कैसे कह सकते हैं? मुझे समझ में नहीं आ रहा। ये बिल्कुल उल्टा हो रहा है। मतलब सामने वाले को तुम मुसलमान कह रहे हो, मुसलमान लिख रहे हो, अबू सुफियान जिसने मुआविया और यजीद को पाला, लिटरली मुसलमान कहा जा रहा है। एंड सामने की तरफ देखा जाए तो लिटरली भाई अहले बैत है, उनको लोग लाइक अबू तालिब जिन्होंने अहले बैत को एक तरह से पाला, तुम कह सकते हो लिटरली इनको काफिर कह रहे हैं। ये उल्टा है भाई, ये ज़माना उल्टा है। लिटरली मैं कह रहा हूँ, ये बहुत कुछ यहाँ पे उल्टा हो रहा है। मैंने पहले ही वीडियो में बता दिया इसके बारे में क्या उल्टा हो रहा है, एंड क्या राफजी कहा जा रहा है, किसको नसबी कहा जा रहा है। अपने मन से ही लोग कुछ भी अपडेट ला रहे हैं आज के रूल्स में, पुराने जो रूल्स है उसमें नए नए अपडेट्स ला रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। तो खैर, ये वीडियो बहुत ज़बरदस्त था। इन्होंने जो लाइक जिस तरह से पूरा एक्सप्लेन करा, इरफान हैदर मैं नाम भूल जाता हूँ बार बार यार, ऐसी कुछ नाम था, यस इरफान हैदर अबीदी सर, बहुत ज़बरदस्त, ये बहुत कमाल के अलामा है। मैंने पहली बार इनको सुना है। मैं इनके और वीडियोस चेक करूँगा, तो मुझे इनके और वीडियोस कमेंट करना। बहुत ज़बरदस्त ये वीडियो था, बहुत ज़बरदस्त ये वीडियो था। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बी से बी हैप्पी, पीस आउट, ख्याली मदद, लव बाय।